Hello everyone, welcome to Farheen classes. West Bengal Civil Service Mains 2019 के Indian Polity के questions solve कर रहे हैं हम लोग. Part 3 तक हमारा discussion complete हुआ था. आज देखेंगे fourth part. Okay? तो इन सारे videos को देखने के लिए आप लोग YouTube channel Farheen classes को जरूर subscribe कीजिएगा और साथ ही bell icon को भी press कर दीजिए ताकि आपका एक भी video miss ना हो पाए. और अगर ये video आपको पसंद आए तो इसे एक like जरूर दीजिएगा और साथ ही share भी कर दीजिए. Okay? और इसके अलावा अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं. फरहीन बख्तावर इज़ माई प्रोफाइल नेम ओवर देयर. आपको वहाँ पर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के कोर्सेज मिलेंगे. वो सारे कोर्सेज भी आप लोग देख सकते हैं. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये फोर्थ पार्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इंट्रोड्यूस्ड इन. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में. ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 310, बी आर्टिकल 312, सी आर्टिकल 317 या डी आर्टिकल 318. राइट आंसर होगा ए आर्टिकल 310. यहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स. डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, अगर दो स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से जरिस्डिक्शन के अंडर में आएगा. ऑप्शन है एडवाइजरी, बी एपिलिएट, सी ओरिजिनल या डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर होगा सी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ठीक है, अगर किसी भी स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर में ही सारे जजमेंट दी जाएगी. ठीक है, और ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आता है अंडर आर्टिकल 131. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर कंसर्न इन द यूनियन लिस्ट. तो एडिशनल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि सही तरह और अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर कंसर्न इन द यूनियन लिस्ट. ओके, तो ये काम कौन कर सकता है. ऑप्शन हमारे पास ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, सी हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट या डी पार्लियामेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज फर्स्ट इवॉल्व बाय जस्टिस सुब्बाराव इन अ. तो ये सारे केसेस के नाम दिए गए हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये एक डॉक्ट्रिन है जिसको देखा गया था पहली बार इवॉल्व होते हुए एक केस में बाय जस्टिस सुब्बाराव. ओके, जस्टिस सुब्बाराव इनका नाम याद रखें. और साथ ही पूछा जा रहा है कि कौन से केस में इस डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑप्शंस आर ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, सी सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, डी शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये है क्या. प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर ओवर रूलिंग. देखिए एक एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा समझना कि एक्चुअली में ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है. तो सपोज कीजिए कि कोई एक क्राइम था, सपोज ब्राइबरी. ठीक है, तो ब्राइबरी ब्राइब लेने के लिए हम लोग एक ईयर भी सपोज कर लेते हैं, लाइक इन द ईयर 1980. ओके, उस टाइम में अगर कोई ब्राइब लेता तो उसे 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलता. ठीक है, और यही इसी क्राइम पर जैसे कि जो ब्राइबरी है उसी पर अगर कोई नया जजमेंट आता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई नया जजमेंट लाती है या कोई नया लॉ बना दिया जाता है बाय द लेजिस्लेचर कि अब जो है अगर कोई ब्राइब लेगा तो उसे 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा. तो ये जजमेंट आया आपका या ये लॉ कब बना, ये लॉ बनाया गया इन द ईयर 2019. तो 1980 में जो भी केसेस थे, ठीक है, उनको ब्राइबरी से रिलेटेड, तो उनको उनकी पनिशमेंट क्या थी, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट. तो अब जो आया है 2019 में नया लॉ जो बन गया या नया जजमेंट आया, तो नया लॉ जो बना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है 1980 वाले केसेस पर. ठीक है, इसका एप्लीकेशन होगा सिंस 2019 के बाद जो भी केसेस आएंगे रिलेटेड टू द ब्राइबरी, तो अब उनको सज़ा दी जाएगी 5 ईयर के इम्प्रिजनमेंट का. ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मैटर या टॉपिक या केस जो भी आप बोले वो एक ही है. ठीक है, लेकिन दो अलग अलग लॉज हैं, एक था जो पहले वाला. तो ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी
जिनको इम्प्रिजनमेंट दिया जा चुका है फॉर वन ईयर, अब उनको नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा फोर ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वो उन लोगों को वन ईयर का ही इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, बिकॉज उस टाइम जब उन्होंने वो कमिट किया था वो क्राइम, तो उस टाइम पर सिर्फ एक साल की ही सजा थी. ओके, अंडरस्टूड? अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी, अगर एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये. तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. और ये डॉक्ट्रिन जो इवॉल्व किया था इन विच केस इन गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब बाई जस्टिस सुब्बाराव. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, 55. अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैंट प्रैक्टिस, कैनॉट प्रैक्टिस. तो रिटायर्ड जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं कहाँ पर? ऑप्शन है इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, बी इन द हाई कोर्ट वेयर ही वॉज रिटायर्ड, इन द सुप्रीम कोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर होगा बी, इन द हाई कोर्ट वेयर ही वॉज रिटायर्ड. ठीक है, सपोज कीजिए कि वेस्ट बंगाल, हमारा जो यहाँ का हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ के जो कोई भी जज अगर रिटायर कर रहे हैं, तो अगर उन्हें प्रैक्टिस करना भी है तो वो कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिया में दूसरे सारे स्टेट्स हैं वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ के हाई कोर्ट्स में. ठीक है, सो अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट वेयर ही वॉज रिटायर्ड. So the right answer is option B. Next, question number 56. In which of the following cases has Supreme Court ruled that the reason has to be communicated to the legislature by the government if the Public Service Commission has not been accepted? Answer, option dekh lijiye, Asha Kaul versus State of Jammu and Kashmir, B. H. Mukherjee versus Union of India, D. Jayashankar Prasad versus State of Bihar, or D. Jagat Singh versus Director Central Bureau of Investigation. Iska correct answer hoga option B, H. Mukherjee versus Union of India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नंबर 57. द jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे बी enlarged by. सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को एनलार्ज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और ये काम कौन कर सकता है, किसके पास ये अथॉरिटी दी गई है? ऑप्शन आ रही है द पार्लियामेंट ऑफ बाई लॉ, द पार्लियामेंट बाई रिजोल्यूशन, सॉरी ये बाई होगा, ओके नॉट ऑफ, द पार्लियामेंट बाई लॉ, द पार्लियामेंट बाई रिजोल्यूशन, या प्रेसिडेंट, या फिर ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट इन द कंसल्ट विद द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द पार्लियामेंट बाय लॉ. ऐसा नहीं है कि रेजोल्यूशन ला करके सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, अगर जुरिसडिक्शन बढ़ाना है तो प्रॉपरली एक लॉ के जरिया करना पड़ेगा. सो द आंसर इज ए, द पार्लियामेंट बाय लॉ. Question number 58. Which article lays down that the laws declared by the Supreme Court would be binding on all the courts in India? तो ये जो बात है कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो का जो लॉ है वो बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स पर, इंडिया के सारे कोर्ट्स पर. ऑप्शन है आर्टिकल 131, 141, 142 या 143. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 141 में ये बात कही गई है. ओके, नेक्स्ट, 59. आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है हमारा आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाई कोर्ट्स का पावर, सुप्रिटेंडेंस का, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द स्पीकर, या इलेक्शन द वाइस प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ए, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60. द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैन नेवर बी रिड्यूस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, या कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी सैलरीज के से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है कि उनकी सैलरीज को क्या कम किया जा सकता है. ओके, तो देखिए इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा दैट डी, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. अगर एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ऑप्शन बी को भी राइट कर सकते हैं, कैन नेवर बी रिड्यूस्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, बिकॉज इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ एक्सेप्शन है क्या, दैट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट, देन जो सैलरीज है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की, उसको डिडक्ट या उसको रिड्यूस किया जा सकता है. सो ये पूरा स्टेटमेंट देखिएगा, उसके बाद ही आंसर्स कीजिएगा. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61. डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स कैन बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर इट्स. सो डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिसडिक्शन के अंदर आता है. अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स चल रहा है तो ये आएगा अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ओके,
Next, question number 62. What cannot be done directly cannot be done indirectly. There's a statement, epitomize the doctrine of. Okay, so ye ek statement diya gaya hai that what cannot be done directly cannot be done. Jis cheez ko hum log seedhe tarah se nahi kar payenge, use hum log indirect way mein bhi nahi kar sakte hain. Theek hai? To ye kaun se doctrine se related baat hai? Ancillary powers, colorable legislation, implied powers, ya patent substance. तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा बी कलरेबल लेजिस्लेशन. इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए. देखिए लेजिस्लेचर जो यूनियन लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज कर जाता है या कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस है जहाँ पर पार्लियामेंट जो है उस पर उस तरह से लॉ नहीं बना सकती है जैसा कि वो चाह रहा है. ओके, बट स्टिल इट्स ट्राइंग टू मेक लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर. और उसे दूसरी तरह से ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि उस वो जो लॉ बनाया गया है वो अपने पावर और अपनी अथॉरिटी में रहते हुए उसने बनाया है. ठीक है, तो अपने लेजिस्लेशन को वो एक तरह से कैमोफ्लेज करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है. तो उस तरह की जो लेजिस्लेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट बोलेंगी कि ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन है विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है, तीन लिस्ट दे दिए गए हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंक्यूरेंट, और इन्हीं चीज़ों पर ही आपको काम करना है. ठीक है, पार्लियामेंट जो है उस पर ही लॉज बनाएगी. लेकिन कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पर पार्लियामेंट जाकर जा रहा है बनाना लेकिन वहाँ पर वो लेजिस्लेट नहीं कर सकता है बिकॉज वो उसकी अथॉरिटी के बाहर है. ओके, या उस जिस तरह से वो बनाना चाहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है. ओके, तो अगर इस तरह का कुछ काम करना चाहे लेजिस्लेचर तो वो कहलाएगा कलरेबल लेजिस्लेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, और उसे नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है. सो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली मींस अगर लेजिस्लेचर जो सीधे तरह से वो काम नहीं कर सकता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है तो वो इनडायरेक्ट वे में भी उस काम को नहीं कर सकता है, यही बात कही गई है. और ये आएगा कलरेबल लेजिस्लेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली बिकम्स सस्पेंडेड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो पार्ट 3 में जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी. इमरजेंसी हम लोग समझ ही रहे हैं, यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है. तो नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम किया जाएगा तो कौन सा हमारा पार्ट 3 का कौन सा प्रोविजन वो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली. ऑप्शन आर्टिकल 14, 19, 21 या 32. इसका राइट आंसर है बी आर्टिकल 19. ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है. नेशनल इमरजेंसी दो तरह से होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. तो अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट देन ये आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता. ओके, लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया या प्रोक्लेम किया जाता बाय द प्रेसिडेंट देन एक अलग प्रोक्लेमेशन देना पड़ता प्रेसिडेंट को फॉर द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, जनरल पूछा गया है कि पार्ट 3 का कौन सा प्रोविजन जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. अ लेजिस्लेशन इनएक्टेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डैश लेजिस्लेशन. ऑप्शन है ऑटोनॉमस, डेलीगेटेड, सबऑर्डिनेट, सुप्रीम. तो कोई भी लेजिस्लेशन जो इनएक्ट किया जा रहा है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर वो कौन से लेजिस्लेशन के अंडर में आता है. तो लेजिस्लेशन देखिए दो तरह से होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट, दूसरा होता है सुप्रीम. सुप्रीम लेजिस्लेशन मीन्स क्या होता है कि ऐसा लेजिस्लेशन मीन्स जिसका जो पावर है वो डिराइव किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है. और दूसरा है सबऑर्डिनेट, मीन्स होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ठीक है, अपने मीन्स अगर स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर यूनियन लेजिस्लेचर हो, ये अपने काम को अगर डेलीगेट कर देती है टू सम अनदर अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन तो वो कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन जिसको इनैक्ट कर रहा है खुद स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऑब्वियसली. तो इसका आंसर क्या होगा, डी सुप्रीम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये पावर डिराइव कर रहा है लेजिस्लेशन का, स्टेट गवर्नमेंट है चुके. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर है. The right answer would be D, Supreme. Next, question number 65. Which of the following is not true? कौन सा statement wrong है ये बताना है, ये mark कर लीजिएगा. Not true, negative पूछा जा रहा है. ठीक है, so option देखिए, a parliament has exclusive power to make laws on any matters in the union list. Yes, this is right.
पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ये चाहे तो यूनियन मिनिस्टर किसी भी मैटर पे लॉज बना सकता है. देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट. ये भी बिल्कुल सही है, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उस पर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही काम कर सकते हैं, दोनों ही लॉज बना सकते हैं. एंड ऑप्शन डी देख लीजिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ये भी बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकती है जहाँ पर यूनियन पार्लियामेंट जो है, हमारा जो पार्लियामेंट है यूनियन लेजिस्लेचर, वो चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है. बट ये स्टेटमेंट दैट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द यूनियन लिस्ट, ये बिल्कुल रॉन्ग है. कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज नहीं बना सकती है. तो राइट आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन. तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लेजिस्लेट कर सकते हैं कौन से मैटर्स पर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, बी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, सी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉट्स, डी ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए, ये जितने भी सारे बातें दी गई हैं, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट के, तो आंसर होगा डी, बिकॉज यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों ही कौन से मैटर पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, तो इन सारे मैटर्स पर, बिकॉज ऑल दीज कम्स अंडर द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट. So the right answer is option D. ठीक है, all of the above. Next question number 67. The union government can assign any functions to the state on the recommendation of the parliament, या B on the directive of the principals, or C on its own discretion, या with the consent of the concerned state government. तो इसका right answer होगा that union government can assign any function to the states. Option D, with the consent of the concerned state government. ठीक है, next 68. That the constitutional provision relevant for solving questions of repugnancy between the central law and the state law is found in. तो ये repugnancy से related जो provisions है वो कौन सा article में है, 156, 254, 300 या entry 42 list 3. इसका right answer होगा B, article 254. ठीक है, ये doctrine of repugnancy यहीं पे दिया गया है. It means कि central law या state law के बीच में कोई भी contradiction हो रहा है या clash हो रहा है, तो उससे related सारे provisions इस आर्टिकल में दिए गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व द रेसिडरी पावर. रेसिडरी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट, यूनियन या स्टेट. ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास रेसिडरी पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 248 सब क्लॉज 2. ठीक है, रेसिडरी पावर्स मींस इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर. ठीक है, जो हमारा दो लिस्ट है उसमें अगर नहीं दिया गया है तो उसके अलावा कोई भी मैटर राइज करता है तो उस पर लॉ बनाने का अथॉरिटी दिया गया है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को. आंसर इज बी. सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 70, अ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन बी डन बाय. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो चेंज है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किया जा सकता है बाय हुम, बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द स्टेट देमसेल्व्स, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या नन ऑफ द अबव. तो अगर ऐसा करना है कि कोई मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जिसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत अगर हो रही है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो ये कैसे किया जा सकता है, ये किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके. आंसर होगा सी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो. अगर आपको ये पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, और फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.